हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने आप सभी के लिए नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज बना ली है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसे हमने काफ़ी एनालिसिस के आधार पर बनाया है और डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस तरह की हम आपके साथ 30 से 35 वीडियोज शेयर करेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इसलिए आपको इन वीडियोज़ को जरूर देखना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं इसकी पहली वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, यानी कि डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किस में देखा गया था, फंगस, बैक्टीरियम, प्लांट या फिर वायरस। देखिए 1958 में मैसेलन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने पहली बार डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को एस्चरिसिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में प्रूफ किया था। तो हमारा आंसर होगा यहां पे 2, बैक्टीरियम, क्योंकि एस्चरिसिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इनमें से कौन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा D, ओजोन, क्योंकि ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा PAN पैन, एल्डिहाइड एंड स्मोक, ये तीनों भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड ओव्यूल्स पाया जाता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। तो ये गलत है क्योंकि ये दोनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, होस्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं होस्टेल्स का कॉमन नेम है इक्विसिटम एंड इट इज ए टेरिडोफाइट। एंड लास्ट ऑप्शन है, स्टेम्स आर यूजली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, ये भी गलत है क्योंकि सिड्रस में ब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है जबकि साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है। तो यहां पे हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है, यानी कि ब्लड के बनने में हेल्प करती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहां पे, चीप सेल्स, म्यूकस सेल्स, गोब्लेट सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 4, पैराइटल सेल। देखिए पैराइटल सेल को हम ऑक्सेंट्रिक सेल भी कहते हैं, ऑक्सेंट्रिक सेल भी कहते हैं एंड ये HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं या सीक्रेट करती हैं, जिनमें से HCl डाइट में प्रेजेंट आयरन को फेरिक Fe3+ से फेरस फॉर्म में Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, जबकि कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो आप जानते हैं आयरन, विटामिन B12 एंड प्रोटीन ये तीनों ही RBC एंड हीमोग्लोबिन के बनने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए
पैराइटल सेल इनडायरेक्टली इरेथ्रोपोलिसिस में हेल्प करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनमें से कौन एक ऑक्यूपेशनल यानी कि किसी काम को करने से होने वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं एंथ्रेक्सिस, सिलिकोसिस, बोटुलिज्म एंड एम्फिजमा। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस एंथ्रेक्सिस एंड बोटुलिज्म, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज से होता है, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज है। जबकि एम्फिजमा आप जानते हैं सिगरेट स्मोकिंग से होता है, ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि सिलिका, सिलिका के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम विल नॉट कोज द रिलीज ऑफ, यानी कि ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने पर इनमें से कौन रिलीज नहीं होता? तो ऑप्शंस हैं एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर, एल्डोस्ट्रॉन, ADH एंड रेनिन। तो देखिए जब BP बढ़ जाता है तो हार्ट की वॉल से ANF यानी कि एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी कि एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने पर रिलीज होता है, ना कि ब्लड प्रेशर के कम हो जाने पर। इसके अलावा एल्डोस्ट्रॉन, ADH एंड रेनिन, ये तीनों ही ब्लड प्रेशर के कम हो जाने पर रिलीज होते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 1, एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? इपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर रेटेड टेस्टिस। तो देखिए द फिनोमिना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज नोन एज कैपेसिटेशन एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे 3। सेलेक्ट द मिसमैच, हमें देखना है कि इनमें से कौन मिसमैच है। तो पहला ऑप्शन है रोडोस्पायरुलम माइक्रोराइजा, तो उसका पहला ऑप्शन ही गलत है क्योंकि रोडोस्पायरुलम इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जबकि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसके अलावा यहाँ पर दिया है एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर, ये सही है, राइजोबियम अल्फा अल्फा ये भी सही है एंड फ्रेंकिया एलनस ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम किससे बनाती है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म या फिर फिलोडर्म। देखिए वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी, सेकेंडरी जाइलम। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेकेंडरी फ्लोएम भी देखने को मिल सकता है। MALT माल्ट कंसिस्ट्यूट अबाउट % ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि माल्ट जो कि लिम्फोइड टिश्यू है हमारी ह्यूमन बॉडी का कितने परसेंट बनाता है? 20%, 70%, 10% या फिर 50%। तो देखिए ये एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू है, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है एंड हमारे बॉडी के मेजर ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में पाया जाता है और हमारी बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाता है। तो इसका आंसर है 4, 50%। द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टूगेदर बाय, यानी कि ह्यूमन इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज। तो देखिए ह्यूमन इंसुलिन में दो चैन पाई जाती है, चैन ए एंड चैन बी। चैन ए में 21 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जबकि चैन बी में 30 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और ये दोनों चैन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 4, डाई सल्फाइड ब्रिज। नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, इनमें से कौन सा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि
सिगरेट स्मोकिंग से होता है? एम्फिस्मा, अस्थमा, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस? तो ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, इसका आंसर होगा वन, एम्फिस्मा। एम्फिस्मा सिगरेट स्मोकिंग से होता है। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? गैंगेटिक शार्क, रिवर डॉल्फिन, ब्लू वेल या फिर सी हॉर्स? तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा टू, रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, हैव अपोजिट इफेक्ट्स टू ईच अदर? इनमें से कौन से हार्मोन एक दूसरे के प्रति विपरीत इफेक्ट नहीं डालते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो देखिए पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। इसी तरह से इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकेगोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। एंड थर्ड ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन बीपी को इंक्रीज करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जबकि एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन चाइल्ड बर्थ के समय ओवरी एंड प्लेसेंटा से निकलता है और पेल्विक्स के लिगामेंट को सॉफ्ट करता है, जबकि इनिबिन ओवरी के ग्रेनुलोसा से सिक्रिट होता है एंड FSH के सिक्रेशन को रोकता है। यानी कि यहाँ पे रिलैक्सिन एंड इनिबिन एक दूसरे के अपोजिट वर्क नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड अ डाइकोट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? यानी कि हमें एक डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट का ओल्ड पीस दिया हुआ है, हम इनमें से कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से उन दोनों में अंतर कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम या फिर कोर्टिकल सेल्स। देखिए स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, जबकि मेटाजाइलम उसके पेरिफ्री में होता है, और इस तरह के अरेंजमेंट को एंडार्च कहता है, एंडार्च कहता है, जबकि रूट्स में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, जबकि मेटाजाइलम उसके सेंटर में होता है, और इस तरह की अरेंजमेंट को एक्सचार्ज कहता है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा थ्री, हम उसके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को देखकर उन दोनों में अंतर कर सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, यानी कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के सिम्टम्स सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं? सेंसेसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स या फिर बड्स? तो देखिए नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये दोनों ही मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनकी कमी सबसे पहले ओल्ड लीव्स में देखने को मिलती है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे वन, सेंसेसेंट लीव्स, जिन्हें कि ओल्ड लीव्स भी कहा जाता है, ओल्ड लीव्स भी कहा जाता है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, यानी कि पहला ह्यूमन हार्मोन जिसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था, इंसुलिन, इस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन? तो हमारा आंसर है यहाँ पे वन, इंसुलिन, जिसे 1983 में एक अमेरिकन कंपनी इली लिली ने बनाया था, इली लिली ने बनाया था बाय यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ एस्चरीशिया कोलाई। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन एक नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर सुगर है? माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर राइबोस 5-फॉस्फेट? देखिए नॉन रिड्यूसिंग सुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे टू, सुक्रोज।
इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, यानी कि हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाने से में से क्या डिस्टर्ब हो सकता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे 4, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा हाइपोथैलेमस में चोट लग जाने से। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस IUD, इनमें से कौन एक हार्मोन रिलीजिंग IUD है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस हैं मल्टी लोड 375, LNG 20, सर्विकल कैप या फिर वोल्ट। तो इसी तरह से हम आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।